आज है गणगौर, तो आप सबको ढेर सारी गणगौर की शुभकामनाएं। और मैं अपने गांव में आई हुई हूं, तो आज हम ढोकलिया बनाएंगे, क्योंकि ससुराल में तो इस बार बनाएंगे नहीं। तो अभी मैं गांव में आई हूं, काफ़ी सालों के बाद मैं गणगौर पे गांव आई हूं, तो अभी माँ ढोकलिया बनाएगी। ये गेहूं और बाजरे का आटा तैयार करके रख रखा है। शिया के पापा गंगा जी और ऋषिकेश स्नान करने के लिए गए हुए तीर्थ यात्रा पे। ये अभी इसमें बाजरे का बना रहे हैं, सबसे पहले बाजरे का, और उधर वो थोड़ा सा गेहूं का आटा है। गेहूं का थोड़ा बनाएंगे, बाजरे का ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि गेहूं का खाने वाले कम है और बाजरे का ज़्यादा पसंद है चूरमा। अजवाइन की बहुत अच्छी खुशबू होती है। अजवाइन और नमक और कुछ भी नहीं, गर्म पानी से आटे को साथ साथ में औसनेंगे और साथ साथ में बनाएंगे, क्योंकि बाजरे का आटा एक साथ में औसन के नहीं रखते है, खराब हो जाता है। थोड़ा सा गेहूं का बनाएंगे, नमक और अजवाइन सेम चीज इसमें डालेंगे। इसके अंदर जो अजवाइन डालते हैं ना, इससे बहुत अच्छी खुशबू होती है ढोकलियों के अंदर। ये बूर है, ये अगर हरी होती है तो उसकी थोड़ी खुशबू ज़्यादा होती है, लेकिन ये काट के और साल भर तक रख लेते हैं, 1 साल 2 साल, फिर भी इसकी खुशबू रहती है। जब ढोकलियाँ बनाते हैं तब हमारे लगभग यहाँ पे गांव में सूखी काम में लेते हैं, क्योंकि हरी इस टाइम पे यहाँ पे नहीं मिलती है। ये जो बाजरा होता है ना, उसके जो नीचे का होता है ना, वो है नीचे, ये डालेंगे बीच बीच में और वो बूर डालेंगे और उनके ऊपर ऐसे ढोकलियों को रखेंगे। ये बूर है, इसको सबसे नीचे लगाएंगे, सबसे नीचे ये बूर लगाएंगे, इसके नीचे पानी आएगा, पानी इनको टच नहीं करे, इसके लिए ये नीचे लगा रही है ये दोनों, और इसकी खुशबू होगी इनके अंदर, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये इसके अंदर बूर डाल दी और अभी लगभग 1.5 जग पानी डाल रही हूँ। ये पहले गेहूं वाले बनाए हैं, क्योंकि गेहूं का आटा खराब नहीं होता, बाजरे का ज्यादा देर रखने से खराब हो जाता है। मैं भी सीख सु, मैं भी मदद कर सु। सीख लेना निकलो। अच्छा, गिल्ला का स्वाद होगी, दिखा सी किसी को बने तेरह। अच्छा, यहाँ ठीक है, रख दे परात में। ये बूर के ऊपर ये ढोकलिया रख दिया गेहूं वाले, ये लगाएंगे अभी बाजरे के ऊपर इनके, ताकि दूसरे और रखें वो इनके चिपके नहीं। ये बाजरी वाली है, ये बनाने में बहुत आसान होती है, और मेरे माँ पिताजी जो मतलब बड़े बड़े हैं, उनको खाने में बाजरी के अच्छे लगते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे गेहूँ वाले अच्छे लगते हैं। मुझे बाजरी वाले अच्छे लगते हैं। ये ऐसे होता है कि बीच में ये ऐसे निकाल देते हैं, तो बीच में से भाप से एकदम अच्छे से सिक जाता है। फटाफट दे, हम ज्यादा लोग नहीं है, बाकी तो इसमें कितना ही बना लेते, बड़ा सारा है बर्तन।
खाने वाले कम है। एकदम देसी तरीका है बाप से ऐसे बनाने का, और बहुत अच्छे बहुत टेस्टी बनते हैं। हमें ऐसे इंतजार रहता है कि कब गोर आएगी, कब ढोकलिया खाएंगे। ये तो बना लिया, अभी एक तर है जो गौशाला के लिए बना रहे हैं, क्योंकि रोटी बनाते हैं तो हमेशा रोटी बनाते हैं और गौशाला में बेचते हैं। माँ जो है वो मतलब गाय की सेवा करनी है ऐसे बहुत ज़्यादा मानती है, तो गौशाला में जाती है, मतलब गायों की सेवा करके आती है। तो आज रोटी नहीं बनाएंगे तो ये ढोकलिया बना रहे हैं, यही एक तर गायों के लिए बना रहे हैं। रणियो ऐसी है और जो रणियो है वो बिलौनो गुबो है सरों की मणिया, चलो रख देंगे माँ। अभी इसका ढक्कन लगा के गेहूँ के आटे से सील पैक कर रहे हैं ताकि भाप बाहर नहीं निकले, ढोकलिया एकदम अच्छे से पक जाए। तो वजन होगा तो ऐसे भाप बाहर नहीं निकलेगी, और यहाँ से सील पैक होगा तो अंदर ही अंदर एकदम अच्छे से पक जाएंगे। ये भट्टी है, इसको सुबह सुबह पोत के तैयार किया है, मतलब जब भी कोई त्यौहार होता है तो इनको ऐसे सुंदर करती है। लिया और अभी इसके ऊपर ही बनाएंगे। लिया माँ ये भट्टी है और इस पर आँच जगा लिया, अभी इस पर ही बनाएंगे। कितना टाइम लागी माँ बनने में, 20 मिनट में ये पक जाएंगे। ढोकले पक गए और अभी इनको निकालेंगे बाहर। ढोकले बन गए सिया, तो अंगूर का है, जबरदस्त भाप निकल रही है अंदर से। ये पक गए, ये बाजरे वाले, ये गेहूं वाले, गरम गरम का फटाफट से इसका चूरमा बनाएंगे। ठंडा होने के बाद तो चूरमा बनेगा नहीं। थोड़ा थोड़ा चूरमा चूर लिया, इसके अंदर अभी घी डालेंगे। ये थोड़ा फीका निकाल रहे हैं दाल के साथ खाने के लिए। अभी शक्कर डाल के और थोड़ा ऐसे घी डाल के अच्छे से चूरमा बनाएंगे। लमेर लमोर कर ले, ये थोड़ा थोड़ा हम निकाल रहे हैं। शाम को यहाँ पे हमारे पास में कुआ है, वहाँ पे कुएं पे गौर आएगी तो गौर को भोग लगाएंगे। खीर भी बना ली, दाल भी बना ली, दाल चूरमा खीर। अभी सब भाभी जी अभी खेत से आए हुए हैं, अभी हम गौर देखने के लिए जाएंगे। अभी हमारे गांव में गौर के फेरे हो रहे हैं और हम अभी गांव में देखने के लिए आए हुए हैं। कुआ है पास में, कुएं के पास में यहाँ आया अब देखो दे। गौर देख ली, काफी सालों बाद मेरे गांव में मैंने गौर देखी है।